हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिरीन एंड वेलकम टू माय चैनल शिरीन उम्मे फाजिल। आज के हमारी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉन्ग वॉवल आई साउंड्स। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट। योर एवरी कमेंट एंड एवरी सब्सक्रिप्शन मैटर्स। लॉन्ग वॉवल आई साउंड्स में हमने कवर किया है जिसमें कि साउंड्स आते हैं आई ई, आई जी एच और वाई एस आई, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो आई ई साउंड होता है उसको भी हम आई ही पढ़ेंगे और वो हमेशा एट द एंड ऑफ किसी भी वर्ड के एंड में आता है। आई जी एच है जो कि मिडिल में या फिर एंड में आता है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर वाई यूज़ होता है बट इट साउंड्स एच आई, जिसमें कि वर्ड लिस्ट है आई ई के लिए पाई, ट आई, ल आई, फ फ्र आई, क्र आई, ड्र आई, ड एंड ड आई, ये सब आई ई वाले वर्ड्स हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे आई जी एच वाले भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आप वर्ड लिस्ट निकाल सकते हैं, जैसे हाय, साय, लाइट, नाइट, फाइट, साइट, दिस इज ऑल्सो नाइट, टू नाइट, डे लाइट एंड लाइटनिंग। उसी तरीके से हम कुछ वर्ड लिस्ट देखेंगे जिसमें कि वाई आता है बट इट साउंड इज आई, स्काई, ड्राई, माई, जुलाई, क्राई, फ्लाई, साइकिल, रीप्लाई, वाई, बाय एंड शाय। लॉन्ग वोवेल आई के लिए आप बहुत सारी वर्कशीट्स बना सकते हैं, और ये वन ऑफ द गुड वर्कशीट आइडिया इज़ रीड एंड राइट। दस आप इस तरीके से सेंटेंसेस दे सकते हैं। अभी इस लेवल पे जब आपका बेबी अच्छी तरीके से रीड करना सीख चुका होगा तब आप उसने सेंटेंसेस दे सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से, लाइक द सन इज़ शाइनिंग ब्राइट, यू कैन सी द स्टार्स एंड द मून एट नाइट, हाउ हाई कैन यू जम्प, यू शुड नॉट फाइट विद अदर्स, रिमेंबर टू टर्न ऑफ द लाइट वेन यू लीव द रूम। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के उन्हें दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सर्कल द करेक्ट साउंड। जैसे कि हमने यहाँ पे बल्ब बनाया है और इनकी स्पेलिंग है लाइट, और हमने एक जगह पे यूज़ किया है आई ई, तो आपको आपका बेबी ये तब कर पाएगा जब उन्हें उसकी स्पेलिंग्स का अच्छी तरीके से नॉलेज होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिनकी स्पेलिंग्स उनको इस लेवल पे आके याद रखनी चाहिए या फिर उन्हें याद होनी चाहिए। तो जैसे लाइट, तो अगर उसकी सही स्पेलिंग उन्हें पता होगी तो वो उन्हें उसको सर्कल आउट कर पाएंगे कि दिस इज़ द करेक्ट वन। सिमिलरली आप बहुत सारी इमेजेस बना के दे सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग उनके वर्ड्स लिख सकते हैं। जैसे पाई, तो पी आई जी एच आएगा अदर, और पी आई ई आएगा, तो यह आपके बेबी को सर्च करना आना चाहिए। फ्राइज, तो फ्राइज में एफ आर आई ई एस आएगा और एफ आर आई एफ आर वाई आएगा, तो ये आपके बेबी को सर्च करने में मज़ा भी आएगा अगर उनको स्पेलिंग्स का अच्छी तरीके से नॉलेज होगा। और दिस इज़ वन ऑफ द गुड एक्टिविटी। अब आप देखेंगे कि हमने गेम बनाया है जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, और इसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं जो कि आपके बेबी को सर्च करना रहेंगी। दीज आर द वर्ड्स जो कि उन्हें सर्च करना है इसमें, तो और हमने ये स्पेलिंग सर्च करने के लिए सर्चिंग टूल बनाया है। तो लाइक हम उसको देंगे, तो ये दिस इज़ साइट, तो एस आई जी एच टी साइट। सिमिलरली पाए, पी आई ई पाए, आर आई जी एच टी, इसमें आई ई आई जी एच टी और वाई वाले वर्ड्स हैं। दिस इज़ लाइक ब्राइट, तो बी आर आई जी एच टी, ये आपके बेबीज़ को खेलने के लिए बहुत मज़ा आएगा, और आप इस तरीके से एक्टिविटी बनाकर दे सकते हैं जिससे कि उन्हें खेलते खेलते ही वर्ड्स याद हो जाएंगे, या फिर अगर याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप उनको एटलीस्ट एक बार सर्च कर टू टाइम्स रीड करने के लिए बोलिए कि सर्च द वर्ड एंड रीड इट टू टाइम्स और थ्री टाइम्स, तो उनको वो चीज़ रिमेंबर करने में आसानी रहेगी। और ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग गेम है, और इसको बनाने में कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। आप भी इस तरीके से अपने बेबीज़ के लिए बना सकते हैं और उन्हें खेलने के लिए दे सकते हैं। बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, एंजॉय वीडियोज विद उम्मे फाजिल।